आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। छत्तीसगढ़ सामाजिक समरसता और अनेक सांस्कृतिक धरोहर को संजे हुए है, जिसकी झलक अनेकता में एकता के रूप में दिखाई देती है। यहां अनेक प्राचीन सांस्कृतिक और पारंपरिक त्योहार मनाए जाते हैं, उन्हीं में से एक हरेली छत्तीसगढ़ के जनजीवन में रचा बसा खेती किसानी से जुड़ा पहला त्योहार है। इसमें अच्छी फसल की कामना के साथ खेती किसानी से जुड़े औजारों की पूजा की जाती है। पूजा कर हम धरती माता का हमारे भरण पोषण के लिए आभार व्यक्त करते हैं। गांव गांव में हरेली के पर्व को बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। नागर गैथी कुदाली फावड़ा समेत कृषि के काम आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ सफाई और पूजा की जाती है। साथ ही साथ गोधन की पूजा की जाती है। उन्हें रोगों से बचाने के लिए औषधि के रूप में जड़ी बूटी युक्त दवाई, जिसे हम लोधी के नाम से जानते हैं, जिसे चरवाहे के माध्यम से खिलाया जाता है और पारंपरिक तरीके से लोग गेड़ी चढ़कर हरेली की खुशियां मनाते हैं। प्राचीन मान्यता अनुसार सुरक्षा के लिए घरों के बाहर नीम की पत्तियां लगाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति और परंपरा हमारा गौरव होता है। सर अपना परिचय दीजिए। मैं फिर अंतराम उइके ग्राम पापरा का निवासी हूँ। मैं अभी वर्तमान में जनपद सदस्य हूँ। मैं क्षेत्र क्रमांक 12 का जनपद सदस्य हूँ। हरेली त्योहार के दिन कल किसान अपने जो मवेशी हैं, गाय बैल जिसको हम सवेरे धुलाई करेंगे, उसके बाद अपने किसानी की परंपरा के अनुसार उसको सवेरे हम लोंदी खवाते हैं। तत्पश्चात अपने कृषि से जितने भी औजार हैं उनको धो धा करके एक जगह एकत्रित सही स्थान पर रख करके उनका पूजा अर्चना करते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम गोपाल सिंह देवगन, ग्राम पंचायत खपरी का सरपंच, जनपद पंचायत डंडोलहरा, जिला बालो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ। जो कि यह त्यौहार पूर्वजों के द्वारा बहुत ही प्राचीन समय से मनाए चले आ रहे हैं और यह त्यौहार हमारे विशेष हल गैती है, रापा है, कुदारी है, सब्बल है, यानी जो अपन मुख्य बिंदु तारा सरपंच ग्राम पंचायत घीना जिला बालोद छत्तीसगढ़, समस्त ग्राम वासियों को हरेली त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। यह त्यौहार छत्तीसगढ़ ही त्यौहार का सबसे पहला त्यौहार है। इस दिन किसान भाई लोग अपने औजारों को धोकर प्राकृतिक देवी से पूजा करके उसको मैं भी किसान भाइयों के लिए वरदान मांगती हूँ कि उसका खेत खलिहान धन धान से भरपूर रहे। मैं पोषण लाल साहू, सरपंच ग्राम पंचायत भीमकना, तहसील डोंडीलोहरा, जिला बालोद छत्तीसगढ़। हमारे यहाँ बांस की गेड़ी बच्चों के द्वारा बनाया जाता है। गायों को गेहूं की आटा जड़ी बूटी की दवाई खिलाई जाती है ताकि साल में कोई भी दिक्कत ना हो। यह त्यौहार हमारे छत्तीसगढ़ की शान सौगत की त्यौहार है। आप सभी को हरेली त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।